अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं रियाज नूर में और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात। और जैसे कि आप जानो, मैं मुख्तलिफ हवालान से आप दोस्तन के लिए प्रोग्राम लेके हाजिर होते रहूँ। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, यूँ वही बंटवारा की दास्तान है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा हुई हो सन 1947 के अंदर, तो वो जो बंटवारा है बेशुमार अनगिनत ऐसी दास्तान ने छोड़े हैं कि जिनका बारे में जब हम जाना है तो हमारा रूह कांप जावे और हम पुराना माजी का झरोकान में खो जावा। क्योंकि यूँ बंटवारा एक ऐसा हो कि जो दुनिया की तारीख में शायद यासु बड़ी तकसीम ना हुई हो, जो तकसीम हमारी मेयो कौम के बीच में हुई है। दुनिया की तारीख में ऐसी कोई मिसाल ना मिले कि लाखों घराना आपस में ऐसे तकसीम होगा कि बहन हूँ रहेगी तो भाई ही ना गो, माँ हूँ रहेगी तो औलाद ही ना गी, औलाद हूँ रहेगी तो माँ बाप ही ना गा। और एक अंदाज़ा के मुताबिक 1947 में तकरीबन 5 लाख मेयो घराना पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आया। तो उनके अंदर लाखों घराना आपस में ऐसे तकसीम हुआ है। और ये दास्तान जो है बड़ी मेवात और छोटी मेवात, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मेवात में बेशुमार ऐसा घराना है कि जहाँ हमारी मेयो कौम दो हिस्सान में तकसीम होकर रह गई। तो आज जो मैं आप भाइन के लिए एक सच्ची कहानी, सच्ची दास्तान लेके हाजिर हुआ हूँ, तो हमारे साथ एक माई मौजूद है। जाहिर है आज वो माई हाँ, लेकिन बंटवारे के दौरान उनकी उम्र वही चंद साल, 5-6-7 साल की उनकी उम्र ही। तो माई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप नो बताओ कि आपको गोत कौन सो है? मेरा आपको बाघोड़ो गोत है। यानी कि आपका जो माँ बाप है वो बाघोड़िया है? बाघोड़िया। ठीक है। और जो आपकी माँ ही वो कौन सा गोत की? राता बसी की, सिंगलन की। आप नो बताओ मोलू कि पाकिस्तान में जब आप आई ही तो आपकी कितनी उम्र है? मैं 10-12 साल की। यानी कि आप सूरत है अच्छे तरीके से, खूबसूरत है। अच्छा, आपको जो बाप दादान को खानदान हो ऊहीन आयो हो कि या के आपका जो नाना मामान को खानदान हो ऊहीन आयो? मामा नाना तो मेरा सब आगा है। अच्छा, शोजाबाद। शोजाबाद में। और बाप दादा? बाप दादा तो मेरा हो नहीं रहेगा। अच्छा, बाप दादा आपका हो नहीं रहेगा? हो नहीं रहेगा। तो बाघोड़ा गांव हो? हाँ, तुम्हारा बाप दादा को गाँव हो। तो आप अपना कोई बाप को नाम या दादा को नाम काका था उनको कोई नाम याद है? आप दादो मेरा भोरो हो है? भोरो भूरो। अच्छा। और बाप को नाम सूरजमल हो? सूरजमल। और ताऊ को नाम दंदर? दंदर ताऊ को नाम हो। अच्छा, जब भगा भगी हुई ही तो वह टाइम को कोई ऐसी याद हाँ तहारे कि जैसे कहवा के भाई पूरी रेल की रेल अपना जला दी ही, काट दी ही और पूरा एक कयामत बर्पा होगी, वो कोई याद ना? तो बचपन में याद है, रेल में आया हूँ सब बैठा बावड़ बाजे, बावड़ सुख बैठा अमर वालो रेवाड़े जो। अच्छा, रेवाड़े से हम मैं गुड़गामा आर उतरा हूँ सो मारो काफलो पड़वो। अच्छा, हूँ सो फिर कहकरा सो आयो। ये जो अपना रेल में कटा बाजी ही, उनमें तहारा भी कोई खानदान का लोग? दो ताऊ कट गए, एक भाई कट गो, तीन मानस कटा हमारा और सारो गाँव घाव जो सारो कतल कर दे बाजे। अच्छा, बच्चों अच्छी छोरी। हाँ। वो राख ली इन दोनों जो वैसे काट गए। यानी आपका दो ताऊ कट गा? हाँ, दो ताऊ और एक भाई। एक भाई कट गो हो। और वहाँ के साथ साथ जो वो गांव कौन सो जाके आप कह रहा कि वह गांव का सारे लोग ज्यादातर कट गा? धुलेड़ो। धुलेड़ा। धुलेड़ो। यानी धुलेड़ा का लोग जो पाकिस्तान की तरफ आया वो वह ट्रेन में है जो ट्रेन कटी है वो भाई। अच्छा, जो आपको अपना जो बाप हो वाकई तो आप कहाँ सूरत होएगी? मेरे बाप की सूरत ना है। ना है ना। तो वैसे कभी दिल में आवे है कि मैं भी अपना बाप देखती, मैं भी अपना दादा देखती, कोई ऐसी चीज आवे मन में ख्याल? दादा उनके सुना ना, मेरे मनियाराम बैठा। हाँ। तो मेरे चाचा का यो है इंतजार। हाँ। परमट कट रहा जब मेरे बाप पा गो। अच्छा। तो मर गो ना। हाँ। तो उन्होंने कहे कि तेरी छोरी आवे हमारे पे कि मेरे से छोरी ना, मेरे बाप ने कही। अच्छा। वहाँ ने गाली दी मेरे चाचा द्वारे, कहे तेरी ना है ना हमारी। फिर हूँ सो परमट कटवा के आए हो, सारा भाई भतीजा सब आने भेड़ा करा। हाँ। तो इतने ही छोरी जीवे, इतने छोरी मत बोलियो। आपको बाप फोन सुना है लेकिन काका ताऊ आ गया घर में, बाप खानदान में जैसा आ गया। तो ये जो तेरे हिन ब्याह करो हो यू कसने करो? ये नहीं करो, जिन मेरे मार करोगा इन करो। और वो मनिहारा में बैठा?
धुलेड़ा का है। धुलेड़ा का नाम है। आपकी शादी में कितना बच्चा आपके हुए? मेरे तीन चार बारह के हुआ। दो बेटा एक दो बेटी। अच्छा सब माशाल्लाह। एक बेटी मर गई। अच्छा अभी तीन बहन भाई। वो कहाँ भी है जो मर गई? वो कुआरी मरी। अच्छा और जो शादी शुदा वो कहाँ रहे? वो ये कनकर में आसमान बरियान पे। अच्छा कनकर में जो बरियान। और बेटा कहाँ रहे? वहाँ बेटा कहाँ रहे? वहाँ एक से बैठी हमें देव है। वो ही देव देव से एक बेटा ही नश्तर में आगो लाहौर में एक होनी रह रो है कहाँ देव में भरिया को भाई हो वो अपनी छोरी की सगाई करें रहो देव में वो आया पाँच चार बैठा मैं को भाई वो मैंने बुलाया मेरा आदमी डायो मैं को भाई कहे जा रहा हूँ भैया तो मेरे मन बता रहा कैसा बनकर नाम भाई इनका तो कहे जा रहा हूँ भैया तो भान से बताए मरदार सलेम जहाज कमालो दिल भर ये मैंने सारा को नाम दे दिया उम्मीद उन्होंने कही बहन तू कहाँ जाना मैं भोरा के पहुँचे और सोच भर के बैठी हूँ वहाँ से मैं कड़ा के चप्पा दी अरे मेरी माँ जाई तो कहाँ जाना से भाई वही मैं बुला लगा वो कहाँ है जो बुलावा तो है मनिहारा में था। अच्छा यानी कि वो तहारा आया गाँव में सुजय से रहे ना गांव के लोग तारा मनिहारा में बैठा है। हाँ, ही ना, मनिहारा में। सही जब तेन उन्होंने बताई कि मैं तो यानी कि हाँ। मेरे दादा हो यू मेरे बाप हो जब बड़वा उठा जब मैं बड़ा बेशक दिन पेचे ब्याह मेरे भाई का छोरा को अच्छा दौरा नौता आया जब मैं ब्याह में गई फोपी में ले मेरी मैंने जब बगम बैठी मेरी फोपी फोपी वहाँ वहाँ पता लगा वहाँ बुलाई यानी कि वो जो तेरा बाप इंडिया वाला हो बाकी बहन सगी बहन सगी बहन अच्छा जी बग्गा में आ गई एक भेगावाली में भेगवाल अच्छा दो फोपी आई वहाँ का ब्याह मैं छोरा को ब्याह को नौ तो आया मंडी सादगंज अच्छा कोट रहीम सुखानंद ऐसे गांव हो तो देखी भेगावाली अच्छा वो फूफी देखी ना ये फूफी देखी वो ना देखी और जब मेरे पे छुआरी हुई जो यहाँ कनकर में जब मैं ना गया गया वहाँ पे अच्छा जिया बग्गा वाली देखी तेने फूफी जिया बग्गा वाली से खूब देखी जिया बग्गा फूफा कहाँ नाम आगो जिया बग्गा जो फूफा वा कहाँ नाम निजरो निजरो सी रात बसी यानी कि या नाना मामान को गाँव हो और बाप दादान को गाँव हो बाघोड़ा और जब ये चंद एक बरस की ही तो यह कि मालू जो है तलाक होगी ही तकरीबन 10-12 साल की ही उन दिन में तो वह सुबात जो है यह का जो अपनो बाप दादान को खानदान वो होनी रहेगो और यह को जो यह की जो माही वो पाकिस्तान आगी पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में कहा बाकी होनी शादी होगी इंडिया में धुलाटा में कौन सा गांव धुलेड़ा तो वो जो धुलेड़ा को परिवार हो वो ही पाकिस्तान में आगो हो जो या को अपनो परिवार हो जो या वालों सूरजमल सूरजमल और वाह का नाम भोरो हाँ सूरजमल और भोरा को खानदान हो बैठो होएगा तो वो यकीनी तौर पर वीडियो ज़रूर देख रहा होएगा और आप लगे कि या माई सू आपको कुछ रिश्ता है और ये आपके ख़ानदान में सू है तो आप हमारे नंबर पर ज़रूर रब्ता कर सके हैं तो बाकी मैं फिर माई सू आपको रब्ता करवा दूँगा बहुत शुक्रिया देखते रहो रहबर मेवात और यूट्यूब पर रियाजनूर टीवी है आप दोस्तों से ही गुजारिश है कि हमारे ये प्रोग्राम में अपना दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कर दो जैसे कि हमारा गोदड़ी इनका हड़ा वहाँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेवन तक हमारी ये वीडियो पहुँच जाए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।